श्री जानकी वल्लभ लाल पति तपावन श्री रघुनाथ जी की महति कृपा प्रवाह भाव से हम आप सब श्री भरत जी महाराज की पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल चित्रकूट में प्रथम सभा बुलाई गई है। वशिष्ठ जी महाराज पुरोधा है, श्री राम भी उस सभा में विराजमान है। सभी माताएं, माता जानकी, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, मुनि महात्मा सब वहां विराजमान हैं। और श्री वशिष्ठ जी महाराज पहले कही जगति माई जगत की माई की चर्चा पहले मुनिनाथ करते हैं। कही जग गति, बोले हे सभासदों, जग की गति ऐसी ही है। जग का यह मेला है, कभी आना है कभी जाना है। जो जग में आया है उसको जाना पड़ेगा। जगह जगह पे आदेश लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे पार्किंग करना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ प्रवेश मना है, यहाँ सोना मना है, कहीं ऐसा लिखा है कि यहाँ मरना मना है। पूरी दुनिया खुली है, कहीं पे भी मर सकते हो। तो ऐसा कोई जग में नहीं आया है जिसको जाना नहीं पड़े। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण तुलसी एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को नहीं भूलना चाहिए, एक मृत्यु को एक भगवान को। मृत्यु तो बहन है, जन्म के साथ ही मृत्यु भी प्रकट हुई है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन निर्णय हो गया कि किस दिन किस स्थिति पर किस उपाय से मृत्यु होने वाली है, ये सुनिश्चित है। पर मृत्यु उत्सव बन जाए, मृत्यु शोक ना बने। भक्त संत साधक का मृत्यु भी उत्सव बन जाता है। जो तू आया इस जग में, जग हंसा तू रोए, कबीर बाबा कहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ हम रो रहे थे, सभी रो के आते हैं भगवान को छोड़ के, लेकिन भगवान को भी रोना पड़ता है। नहीं भी रोए तो माँ बोलती है, प्रभु तजहु यह रूपा, छोटा बालक बनो रो, सुनि बालक ठाना रोदन ठाना। भगवान भी रोते हैं। तो हम आते हैं तो रोते रोते आते हैं, बाकी सब लोग हंसते हैं। बेटा हुआ है, नाती हुआ है, बेटी हुई है, सब हंसते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, ऐसे करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। आते समय तो रोते रोते आए थे, जाते समय भाई ऐसे जाओ कि प्रसन्न होकर के जाओ और सारी दुनिया तुम्हारे लिए रोए कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आया था आकर के चला गया। ऐसा नहीं कि जाने के बाद लोग गाली देकर अच्छा काम कर गया, किसी काम का नहीं था, बेकार था। तो मुनिवर ने संसार की गति समझाई है, माई की चर्चा की है, परमार्थ की चर्चा की है। आना जाना तो रहता है, पर उसी का जीवन धन्य है जो आकर के जीवन में कुछ करके चला जाए। इसलिए हे राघव, आपके पिताजी कोई सामान्य नहीं थे। आपके पिता की महिमा ब्रह्मा शिव हरि इंद्र आदि देवता भी करते हैं। आपके पिताजी ने जो काम कर दिया है बड़े बड़े महात्मा भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है, वो धन्य है। और हे राघव, आपके पिताजी नहीं रहे, आपके वियोग में राम राम कही, राम कही, राम राम कही,
तनु परिहरे रघुवर विरह राउर गए सुर धाम। हे राघव आपके वियोग में छह बार राम 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 कह करके आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, आपके पिताजी नहीं रहे। नृपकर सुर पर गवन सुनावा, और जैसे ही प्रभु सुने कि मेरे कारण पिताजी नहीं रहे, मेरे वियोग में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, श्री राम जी विकल हो गए। हाथ 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 कह करके श्री राम भी व्याकुल होकर के रोने लगे। बिलपत लखन सिय सब रानी, और प्रभु को रोते देख लक्ष्मण भैया माता सीता सभी माताएं जितनी प्रजा सब रोने लगी, और वहां वह सभा शोक सभा बन गया। ऐसा लगा मानो राज अकाजे हुआ, आज ऐसा लगा कि आज ही महाराज दशरथ का प्रयाण हुआ है। सभी महाराज को याद करके रोने लगे। गुरु वशिष्ठ ने सबको धैर्य दिया है, सबको फिर समझाया है, और भरत जी के द्वारा तो महाराज का अंतिम क्रिया सब हो चुका था, फिर भी ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, अपने पिता को तर्पण करो राम। मंदाकिनी के तट में माता जानकी के साथ प्रभु आए हैं, गठबंधन गट जोड़ा बांध करके गुरु वशिष्ठ ने जो जो आज्ञा दी है, जैसी जैसी विधि बताई है, प्रभु श्री राम अपने पिता को तर्पण देते हैं। पिता का फिर श्राद्ध करते हैं। व्रत निरंब ते ही दिन प्रभु कीन्ही, मुनि कहे जल काह न लीन्ही। और प्रभु उस दिन निरंबु व्रत माने निर्जल व्रत करते हैं। प्रभु ने उस दिन जल भी नहीं पिया, नियम से निर्जल रह करके प्रभु ने व्रत किया। करी पितु क्रिया बेद जसी बरनी, विधि अनुसार अपने पिता का सब कार्य किया है। और पातक तम तरनी, पातक माने है पाप, पाप को सर्वथा नष्ट करने वाली मंदाकिनी के तट में भगवान अपनी शुद्धि क्रिया करते हैं। मंगल भगवन अमंगल हारी, जासु नाम पावक अघ तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनका नाम स्मरण करते ही सभी पाप ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से तुला मने रुई, जैसे रुई अग्नि के स्पर्श से भस्म हो जाती है, प्रभु का नाम सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह प्रभु अपना अपना शुद्धि क्रिया करा रहे हैं। शुद्ध सो भयहु साधु सम्मता स, लोक शिक्षण के लिए प्रभु अपनी शुद्धि क्रिया करा रहे हैं। शुद्ध भय दुई बासर बीते, दो दिन बीत गया, अपने पिता का काम किया, दो दिन बीता है। श्री राम वशिष्ठ जी के पास आए हैं, हाथ जोड़ा है और कहा प्रभु वनवास मुझे मिला है, अयोध्या वासियों को वनवास नहीं मिला, और ये बेचारे अयोध्या वासी मेरे कारण दो दिन से आकर के चित्रकूट में पड़े हैं। अच्छा वहां कुटिया की व्यवस्था थी, एक कुटिया श्री राम के लिए, एक कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। प्रभु ने कोल भीलों को कहकर के सभी अयोध्या वासियों के लिए कुटिया बनवाया वहां, और जंगल में दाल भात तो नहीं मिलेगा, कोल भील जो कंद मूल फल ला करके देते हैं वही पाते हैं, और अयोध्या जैसा साम्राज्य जैसा वैभव जैसा सुख वन में नहीं मिलेगा। माताएं आई हैं, सब राज रानियां हैं,
तो प्रभु कहते हैं गुरु जी मेरे कारण दो दिन से अयोध्या की प्रजा सभी माताएं यहाँ वन में कष्ट भोग रहे हैं, ये उचित नहीं है। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल और केवल जल पी करके रह रहे हैं, मेरे लिए अयोध्या वासी इतने इतना दुख सहें ये उचित नहीं है, इसलिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। सब समेत पुरधारी पाऊ, सबको लेकर के आप वापस अयोध्या चले जाइए। गुरुजी ने कहा राम एक बात बताओ, गुरु का काम क्या है? गुरु वही जो हरि ही मिलाए। गुरु का काम तो यह है कि सभी जीवों को लाकर के भगवान के चरणों में पहुंचा दे, भगवान से मिला दे। तो मैंने वह काम किया, सभी को लाकर के तुमसे मिला दिया। अब तुमसे वापस ले जाना, तुमसे अलग करके सबको ले जाना, यह मेरा काम नहीं है, ये गुरु का काम नहीं है। भगवान से अलग करा देना ये तो शत्रु का काम है। गोस्वामी जी कहते हैं जाके प्रिय नहीं राम भई देही तजही ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भगवान जिसको प्रिय नहीं है, श्री राम जानकी जिनको प्रिय नहीं है, वो जितने बड़े सगे हो स्नेही हो उनके उनको कोटि शत्रु के समान त्याग कर देना चाहिए। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? विभीषण ने भाई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भरत जी ने अपनी माँ का त्याग किया कि नहीं किया? ब्रजवासियों ने लाज कुटुंब परिवार समाज सबका त्याग किया कि नहीं किया? भय मुद मंगलकारी, किसी ने उनको उनकी निंदा की, उनको गलत कहा नहीं कहा, सबने प्रशंसा ही की है। तो गुरु का काम है कि भगवान के चरणों में लाकर के सबको मिला देना। और मैं जानता हूँ राघव दो दिन यहाँ अयोध्या वासी रहे तो आपको चिंता हो रही है कि कंद मूल और जल आहार करके जंगल में अयोध्या वासी कैसे रहेंगे। तो प्रभु आप सोचिए आप 14 वर्ष वन में रहेंगे, अयोध्या वासियों को कितना दुख हो रहा होगा, माताओं को कितना दुख हो रहा होगा, भरत जी के बारे में सोचिए भरत जी को कितना दुख हो रहा होगा। प्रभु बड़े आशा लेकर के ये सब अयोध्या वासी आपसे मिलने आए हैं, तो इतना निष्ठुर मत बनिए, दो चार दिन उनको यहाँ रहने दीजिए, प्रभु मन भर के आपका दर्शन कर लेंगे, आपका संग कर लेंगे, ये बेचारे अयोध्या वासी भी प्रसन्न हो जाएंगे। लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहु विश्राम। प्रभु ये दुखी हैं आपके विरह में, दो चार दिन आपका दर्शन करेंगे इनको भी विश्राम मिलेगा। तो जिस समय श्री राम वशिष्ठ जी से कह रहे थे कि जाओ आप सबको वापस ले जाओ, अयोध्या वासी भी सुन रहे थे, उनको कैसा लग रहा था? उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाव नदी में जा रहा है और नदी के बीच वो नाव डगमगा करके डूबने लगे, तो नाव में बैठे लोगों को जैसा लगेगा अयोध्या वासियों को ऐसा लग रहा था कि अभी हमारी नाव डूब जाएगी। जो आशा लेकर के आए थे प्रभु हमको वापस भेज रहे हैं, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने प्रभु को समझा दिया और प्रभु ने रहने की अनुमति दे दी, भयहु मनहु मारुत अनुकूला, अयोध्या वासियों को ऐसा लगा मानो अनुकूल वायु फिर से चलने लगी, डूबने वाली नाव फिर से स्थिर हो गई, सभी अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए। और अभी कैसे रह रहे हैं अयोध्या वासी? जो विरह जो दुख था सब दूर हो गया। आहा मंदाकिनी के तट में रह रहे हैं, चित्रकूट के पर्वतों को देख रहे हैं, वन विहार करते हैं, पावन पर...
हूँ काल नहाई, जो बिलो की अगर ओ घनसाई। मंदाकिनी का जल तिहूं काल नहाई, तीन बार नहाते हैं मंदाकिनी में। यदि किसी तीर्थ में जाओ तो उस तीर्थ के जल से निश्चित ही नहाओ, क्योंकि तीर्थ की महिमा उस तीर्थ के जल में रहती है। तीन तीन बार अयोध्यावासी नहाते हैं मंदाकिनी में, और नहा करके जितने बार नहाते हैं मंदाकिनी में उतने बार जाकर के राम जी का दर्शन करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, बोले प्रभु अभी अभी मंदाकिनी नहा करके आए हैं, आशीर्वाद दीजिए, कह करके दंडवत करते हैं और दर्शन करके आते हैं। नीरखई हरसी दंडवत करी करी, प्रसन्न होकर के श्री राम जी को देखते हैं और दंडवत करते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरी 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 भरी, नेत्र भर भर के श्री राम को दिन भर दर्शन करते हैं। झरना झर ही सुधा समबारी, झर 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 चित्रकूट की कलरव करती झरनाएं बहती हैं। बिटप बेल द्रुन अगणित जाति, नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के प्रकृति के सौंदर्य को देख करके अयोध्या वासियों का दिन आनंद से बीत रहा है। अब दर्शन कीजिए, गोल की रात। अब राम जी का परिवार कौन है? चित्रकूट के कोल की रात आदिवासी जो हैं वो राम जी के परिजन हैं। तो आपके घर में यदि कोई अतिथि आए तो परिवार वालों का धर्म है कि नहीं उनका स्वागत करें? तो कोल की रात उन्होंने सोचा कि अयोध्या वासी हमारे राम जी के अति प्रिय हैं, तो ये सब आए हैं हमारे यहाँ अतिथि बन करके, तो हमारा धर्म है इनका स्वागत करें, इनकी सेवा करें। तो कोल की रात भील सब अयोध्या वासियों के लिए नाना प्रकार के फल, जामुन, अमरूत, आम, कंद मूल, नाना प्रकार के फल फूल पेय लेकर के डलिया भर भर के लेके आते हैं, कहार भर भर के लेके आते हैं और लाकर के देते हैं। भरी भरी परन पूटी रुचिरोरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। नाना प्रकार के कंद मूल फल अंकुर ला करके देते हैं और कहते हैं आप सब हमारे अतिथि हैं, हमारे सौभाग्य से आप यहाँ आए हैं, आप कृपा करके इनको ग्रहण कीजिए। तो अयोध्यावासी सोचते हैं बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे लिए बड़े परिश्रम से मन से कंद मूल फल लेकर के आए हैं, तो कुछ मूल्य देते हैं। दे ही लोग बहु मोल, कुछ देते हैं कि रख लो, लेकिन एक कोल भील कुछ रखते नहीं है। बोले माई बाप आप हमारे अतिथि हो और अतिथि से हम मोल लेंगे? अयोध्या वासियों को लगता है कि हम थोड़ा मोल देते हैं, ज्यादा देना चाहिए, तो तीन गुना चार गुना मोल देते हैं और फिर भी कोल भील उसको स्वीकार नहीं करते। तो अयोध्या वासी कहते हैं यदि मोल नहीं लोगे तो ले जाओ तुम्हारा सामान, हम नहीं रखेंगे, बिना मोल के हम कुछ नहीं रखेंगे। तो उस समय कोल भील कहते हैं आपको श्री राम का सौगंध है, फेरत राम दुहाई देही, आपको राम दुहाई, राम जी का सौगंध है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो इन कोल भीलों के संस्कार को देख करके अयोध्या वासी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आप सब बड़े धर्मात्मा हो, आप सब बड़े पुण्यात्मा हो। कोल भील कहते हैं भाई काहे के पुण्यात्मा है, काहे के धर्मात्मा है, हम जाति के निषाद हैं, ये तो श्री राम की कृपा है। पावा दर्शन राम प्रसादा, राम जी की कृपा से आपका दर्शन हमको मिला है भाई, वरना कहां अयोध्या की प्रजा और कहां हम जंगल के कोल भील वनवासी, हम तो महापापी हैं, जाति के निषाद हैं, सवर हैं,
पशुओं को मारना ये हमारा धर्म है, काम है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई है। कोलविल कहते हैं आप भला मानिए कि हम आपके कपड़ा बासन चुरा के नहीं ले जा रहे हैं, वरना हम तो इतने पापी हैं कि हमारे मन में अगर कोई आता है तो हम उनके कपड़े चुरा लेते हैं, उनका धन चुरा लेते हैं। ये तो राम जी की कृपा है कि राम के दर्शन से हमारी प्रकृति फेर गई, हमारा स्वभाव बदल गया, वरना हम पाप करत निसिबासर जाही नहीं पट कटी नहीं पेट भाही। वरना भाई हम तो दिन रात पाप में लगे रहते हैं, हमारा जन्म ही पाप के कारण हुआ है। हम जाने, हमारा पेट जाने, कैसा पेट भरे वो हम जानते हैं, और पुण्य क्या है, धर्म क्या है, ये सब हम नहीं जानते। तो अयोध्या वासियों ने कहा आपके भीतर इतना संस्कार कैसे आ गया, आपके भीतर परिवर्तन कैसे आ गया। तो अयोध्या वासी कहते हैं ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये श्री राम जी का संग का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदो मनिहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। भाई जिस दिन से जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, जिस दिन से श्री राम के चरणार विंदों का दर्शन हुआ, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, हमारा स्वभाव बदल गया। ये है सत्संग की महिमा। एक संत यदि जाकर के जंगल में भी रह जाए तो जंगल के निवासियों को भी वो बदल देगा। श्री राम के यहाँ रहने से, श्री राम के संग के प्रभाव से हमारा स्वभाव बदल गया है। और हे प्रिय अयोध्या वासियों, तुम प्रिय पाहुने बन पग धारे सेवा जोगन भाग हमारे। आप पाहुन है, पाहुन माने अतिथि, आप हमारे अतिथि हैं, आप यहाँ आए हैं, हम आपके सेवा के भी योग्य नहीं हैं, फिर भी हमसे जो बनता है हम करेंगे, आप कृपा करके इस कंद मूल फल को स्वीकार कीजिए। देखो अहंकारी व्यक्ति दान भी करता है और दान करके अहंकार करता है। कोल की रात कह सकते थे खाना है तो खाओ नहीं तो भूखा मरो, यहाँ वन में कहाँ तुमको दाल भात मिलने वाला है, यहाँ कहाँ सब्जी तरकारी मिलने वाली है, यही कंद मूल फल खा के रहना पड़ेगा, खाना है तो खाओ वरना भूखे मरो। पर सनातन धर्म की यह शोभा है, हम यहाँ दान देते हैं और दान के साथ दक्षिणा भी देते हैं, विधि है। किसी को अगर कपड़ा दिया जाए, दान वस्त्र दिया जाए, तो उसके साथ दक्षिणा भी दी जाती है। किसी को भोजन दान दिया जाए तो भोजन के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। ये दक्षिणा क्यों दी जाती है? दक्षिणा देने का विधान इसीलिए है कि दान देने के बाद हमारे मन में अभिमान ना आ जाए कि हमने दान दे दिया, तो दक्षिणा 50-100 रुपए दक्षिणा दे करके यह भाव रहता है कि प्रभु ये दान देने की योग्यता हम में नहीं है, फिर भी आपने कृपा करके हमारे दान को स्वीकार किया, इसमें आपकी बड़ाई है, तो आपने हमारे दान को स्वीकार करके हमें कृतार्थ बनाया है, इसीलिए दक्षिणा आप रखिए। तो इसीलिए कोल भील की रात कंद मूल फल ला करके देते हैं और कहते हैं हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। क्या कहते हैं? हम ही कृतार्थ करन लगी, हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको धन्य के लिए करने के लिए ये फल मूल तृण अंकुर आप स्वीकार कीजिए। तो इतने प्रेम से अगर कोई आतिथ्य करेगा, कौन भला है जो उस आतिथ्य को स्वीकार नहीं करेगा?
तो कोल भीलों के बातों को सुन करके अयोध्यावासी प्रेम में डूब गए और प्रेम से कंद मूल फल जो जो ला करके कोल भील देते हैं सब खाने लगे। तिनके भाग सराहन लागे और भूरी भूरी प्रशंसा कोल भीलों की करने लगे। तो कोल भील ला करके कंद मूल फल देते हैं, अयोध्यावासी खाते हैं और प्रेम से वन विहार करते हैं। बिहर ही बन जहूं और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब चारों ओर वन में घूमते हैं, हैं कहीं झरना देखते हैं। आज का समय होता तो कहीं फोटो खींचते, कोई एल्बम बनाते, कहीं रील बनाते। अयोध्यावासी वन की शोभा देख करके वन विहार करके आनंद में हैं और रात्रि में प्रेम से सो जाते हैं। जब आनंद होता है तो नींद भी प्रेम से आती है। दिन भर खाते पीते घूमते हैं और रात को सो जाते हैं। और माता जानकी अपने सासुओं के पास जाती है, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा के पास जाकर के अपने सास की सेवा करती है और माताओं को विश्राम कराती हैं। अब लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, ये कभी सोते नहीं है। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? राम जी के चिंतन में हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। और एक व्यक्ति जाग रहा है, श्री भरत भैया जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम के चिंतन में हैं, इसीलिए जाग रहे हैं और भरत भैया श्री राम के चिंता में हैं, इसीलिए जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी को नींद नहीं है तो भरत जी को भी नींद नहीं है। निसीन नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच। सब अयोध्यावासी प्रेम में है, दिन भर घूमते खाते पीते सो गए, माताएं भी सो गई, अयोध्या की प्रजा सब सो गए। लक्ष्मण जी जाग रहे हैं पर भरत जी को ना दिन में भूख लगती है ना रात में नींद आती है। देखो इस शिला खंड पे बैठा कौन तपस्वी है, एक टक रहा निहारता गगन मंडल पर करता अश्रु विसर्जन है। चित्रकूट के एक शिला के ऊपर भरत भैया बैठे हैं, एक टक आकाश की ओर देख रहे हैं। आधी रात का समय है, भरत भैया के नेत्र में नींद नहीं है, एक ही बात सोचते हैं। क्या सोचते हैं? केही विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवकलत उपाउ न दूज। क्या सोच रहे हैं? केही राम अभिषेकु केही विधि होई राम अभिषेकु। भरत जी के मन में एक ही चिंता है कि राम जी का अभिषेक कैसे होगा, अयोध्या वासियों को राम राज्य कैसे मिलेगा। संत के मन में यही चिंता रहती है कि सबको राम कैसे प्राप्त होंगे, सबको राम राज्य कैसे मिलेगा। भरत भैया इसी चिंता में, क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या उपाय करूं, कौन ऐसा है जो यह काम कर सकता है। केही विधि होई राम अभिषेकु। तो फिर भरत जी के मन में एक बात आई, भरत जी प्रसन्न हो गए। एक उपाय है जिससे अवश्य राम जी का अभिषेक हो जाएगा, अवश्य ही श्री राम अयोध्या वापस चले जाएंगे। उपाय क्या है? गुरु जी यदि कह देंगे, गुरु वशिष्ठ यदि कह देंगे तो श्री राम अवश्य ही अयोध्या वापस चले जाएंगे। अवश्य फिर ही गुरु आय अवस्थी फिर
अगर गुरुदेव आज्ञा दे देंगे कि राम चलो वापस अयोध्या, तो निश्चित ही श्री राम अयोध्या वापस चले जाएंगे। तो चलो गुरुजी के पास चलें और गुरुजी से निवेदन करें, गुरुदेव आप श्री राम को आज्ञा दे दीजिए कि चलो राम अयोध्या वापस। थोड़ी देर तो भरत जी प्रसन्न हुए लेकिन फिर दुखी हो गए। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। फिर भरत जी के मन में चिंता हुई, गुरु जी के कहने से श्री राम अवश्य वापस तो चले जाएंगे पर गुरु जी राम जी को कहेंगे नहीं। अरे भवन में नहीं कहा तो वन में कहेंगे, कहना होता तो जिस समय राम जी अयोध्या से वन में आ रहे थे उस समय ना कह देते कि राम कोई आवश्यकता नहीं वन में जाने की, अयोध्या वासियों को बस एक सहारा चाहिए था, एक सुदृढ़ अवलंबन चाहिए था। एक बार गुरुजी कह देते हैं कि राम वन में नहीं जाएंगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह कर देती कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे श्री राम को वन में। पर गुरुजी सदैव राम जी के रुख में रुख रखते हैं, गुरु वशिष्ठ सदैव राम जी की इच्छा में इच्छा रखते हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ महात्मा है। वह महात्मा कैसा है जो परमात्मा की इच्छा में इच्छा ना रखे। संसारी और सन्यासी में क्या भेद है, जो अपनी इच्छा की निवृत्ति में लगा है वह सन्यासी है और जो अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा है वो संसारी है। महात्मा वो है जो अपनी इच्छा को नहीं देखता, महात्मा तो वो है जो परमात्मा की इच्छा को देखता है। एक बार कुछ लोग नाव में नदी पार कर रहे थे, उसमें एक महात्मा भी बैठे थे और बीच नदी में नाव डोलने लगा, डूबने लगा, तो महात्मा को लगा कि शायद राम जी की इच्छा है कि नाव डूबे और हमारी इच्छा तो राम जी की इच्छा के साथ है। राम तेरी नैया डगमग डोले, राम तेरी नैया डगमग डोले। लगता है राम जी चाहते हैं कि नाव डूब जाए। सब तो चिंता में बैठे थे कि अब नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। महात्मा जी प्रेम से बैठे थे हैं? और उनको देख के लोगों को ज्यादा चिढ़ होता था कि हम डूब रहे हैं और ये महात्मा देखो आराम से बैठा है। किसने कहा एक काम करो महात्मा को पहले फेंको नीचे। तो सबने कहा पाप के कारण तो डूब रहे हैं और महात्मा को फेंक देंगे तो और पाप लगेगा। तो सभी लोग तो लगे हैं कैसे नाव को बचाएं और महात्मा और पानी लेकर के नाव में भर रहे हैं। राम तेरी नैया डगमग डोले। लगता है प्रभु आपकी इच्छा है कि नाव डूबे, तो चलो आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। तो नाव में और पानी भरने लगे। कुछ समय बाद नाव स्थिर हो गया तो महात्मा को लगा कि नहीं नहीं अभी प्रभु चाहते हैं कि हम सब बच जाएं, तो फिर पानी बाहर निकालने लगे। ये कथा अनुकरणीय तो नहीं है पर आदरणीय है। कोई महात्मा उस स्थिति के हैं पर हम वैसा नहीं कर सकते। तो महात्मा वो है जो श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को लगा देता है और वशिष्ठ जी महात्मा हैं, इसीलिए वशिष्ठ जी वही करेंगे जो श्री राम चाहेंगे। वशिष्ठ जी कभी श्री राम को बाध्य नहीं करेंगे। फिर भरत जी के मन में एक बात आई, एक और व्यक्ति है वो अगर कह दें तो शायद श्री राम रुक जाएंगे। वो कौन है? वो माता कौशल्या है। माँ तू कहेऊं बहु रही रघुराम, माँ तू कहेऊं बहु रही रघुराम। यदि माँ कौशल्या कह दे कि राम मैं आज्ञा देती हूँ
तुम चलो हमारे साथ अयोध्या, तुम वन में नहीं रहोगे, तो निश्चित ही श्री राम वापस चले जाएंगे। कुछ समय तक तो भरत भैया फिर प्रसन्न हुए, फिर दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? माँ कौशल्या के स्वभाव के बारे में सोच करके व्यंग करके कह रहे हैं भरत भैया, माँ के कहने से प्रभु वापस तो चले जाएंगे, पर ये राम जननी है, ये कौशल्या है, राम जननी कभी जिद नहीं करेगी। राम जननी हट करब की काऊ, कौशल्या माता क्या कभी किसी के सामने हट करेगी, जिद करेगी? अरे जिद करने का स्वभाव तो मेरी माँ को है, कैकई का स्वभाव है जिद करना। अयोध्या की माताओं ने कितना समझाया कि कैकई जिद छोड़ दे, तू जो चाहती है तेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है, राम बन जाएंगे। क्या राम के जाने पे लक्ष्मण क्या घर में रहेगा, जानकी क्या घर में रहेगी? अरे भरत क्या, भरत को भूजब राज पुनः, भरत क्या राज भोग करेगा? और सर्वोपरि क्या महाराज दशरथ जीवित रहेंगे? इतना समझाने के बाद भी कैकेयी अपने जिद पे अटल रही। तो भरत भैया कहते हैं जिद करने का स्वभाव तो मेरी माँ का है, राम जननी माँ कौशल्या का स्वभाव जिद करना नहीं है। राम जननी हट करब की काहो, राम जननी हट करबी की काहो। फिर उदास हो गए, बोलिए प्लान भी फेल हो गया, माँ कौशल्या भी प्रभु को वापस लेकर के नहीं जाएंगे। फिर भरत जी मन में सोचने लगे, भरत तू स्वयं क्यों नहीं प्रभु को कह देता कि प्रभु मेरे लिए आप वापस चलो अयोध्या? भरत जी सोचे, मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मैं सेवक हूँ। जो सेवक अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रभु को संकोच में डाल दे वो सेवक कहलाने योग्य नहीं है। जो सेवक अपने दुख को प्रभु के सामने रख ले और उसके कारण उसके सेव्य को उसके प्रभु को संकोच में पड़ना पड़े वो सेवक नहीं है। और भरत जी का तो स्वभाव ऐसा है, महु स्नेह सकोच बस सनमुख कहइ न बानी। बचपन से भरत जी का ऐसा स्वभाव है, राम जी के प्रति इतना स्नेह है कि दर्शन करने के लिए तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं, पर संकोच के कारण राम जी के सामने आंखों से आंख मिला करके भी भरत भैया कभी बात नहीं करते। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहइ न बानी, श्री राम के सामने भरत भैया कभी बोलते भी नहीं है। तो जो भरत श्री राम के सामने कभी खुल के बोलते नहीं है, क्या वो भरत श्री राम के सामने कह देंगे जिद लगा करके कि प्रभु चलो वापस अयोध्या? भरत भैया कहते नहीं नहीं, ये सेवक का धर्म नहीं है, जो हट करहु त निपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। हर गिरि माने, हर माने शिव, गिरि माने पर्वत, हर गिरि माने कैलाश, कैलाश पर्वत से भी दृढ़ सेवक का धर्म होना चाहिए। यदि मैं जाकर के प्रभु के सामने हट करूं जिद करूं तो इससे बड़ा कोई कुकर्म मेरे लिए नहीं हो सकता। सबसे सेवक धर्म कठोरा, मैं सेवक हूं पर सेवक का धर्म सहज नहीं है। सेवक का धर्म यह नहीं है कि स्वामी को किस बात के लिए बाध्य करना। यही चिंता करते करते सोचत भरत ही रैन बिहानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। रात भर सोचते रहे किस उपाय से श्री राम वापस चले जाएंगे अयोध्या, क्या करूं, कैसे प्रभु को वापस ले जाऊं।
नाना प्रकार की युक्ति सोचते सोचते ही रात बीती है, भोर भया है और सुबह होते ही श्री भरत जी पहले तो प्रभु के पास गए, श्री राम को प्रणाम किया, फिर गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ को बुलाया है और फिर चित्रकूट में दूसरी सभा बुलाई गई है। यहाँ सब हैं पर इस सभा में श्री राम नहीं है और गुरु वशिष्ठ यहाँ पुनः अपना भाषण देते हैं, वो कल सुनेंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय।